अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिराज और आप देख रहे हैं फिराज व्लॉग। तो आज इसमें बताने वाला हूँ सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। तो पहली खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक और उसी में सऊदी अरब में टोटल आबादी को कितने परसेंट टीका लग चुका है पहला डोज, तो वो मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। सऊदी अरब अपनी 70% आबादी को टीकाकरण कराने के करीब है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुलाली ने कहा, कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का समय आ गया है। आजिल वेबसाइट के अनुसार सऊदी खाद्य एवं औषध प्राधिकरण किसी भी टीके की मंजूरी देने से पहले एक बहुत ही जटिल कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। इसके बाद वो वैक्सीन को मंजूरी या खारिज करने का फैसला किया जाता है। सऊदी अरब में स्वीकृत सभी टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। उन्होंने रोटाना चैनल को बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में वैक्सीन की सुरक्षा एक लाल निशान है। सऊदी अरब लगभग 70% वयस्कों यानी बालिग लोगों को टीकाकरण के अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले टीके से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। प्रवक्ता ने कहा 70% वयस्कों को टीका उपलब्ध कराने का मतलब होगा कि 17 मिलियन लोग को टीका लगाया जाएगा। समाज के सभी लोगों को वैक्सीन की उपलब्ध कराने के लिए 24 मिलियन लोगों को टीका लगवाना होगा। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने तब कहा, सभी टीकों के लिए पंजीकरण करें, जल्द ही दूसरी खुराक की घोषणा की जाएगी, यानी ऐलान किया जाएगा दूसरी खुराक के लिए। तो एक खबर ये थी मैंने आपको बताया। एक खबर यह है कि एक शख्स को प्रताड़ित करने का वीडियो शेयर करने के आरोप में 4 नागरिक गिरफ्तार। कसीम पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक शख्स का प्रताड़ित करने वाला वीडियो शेयर करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के अनुसार एक क्षेत्रीय पुलिस प्रवक्ता लेफ्टिनेंट बद्र अल सुबहानी ने कहा है कि बंदी सऊदी नागरिक है और अपने जीवन के दूसरे दशक में है। इन लोगों ने असहमति के कारण अपने हम वतन में से एक को प्रताड़ित किया और गर्व से इसका एक वीडियो साझा किया। कसीम पुलिस ने आरोपियों को पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर वो फिलहाल हिरासत में ले लिया है और उसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सामाजिक शिष्टाचार और इस्लामिक नैतिकता उल्लंघन करने और एक नागरिक को प्रताड़ित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये खबर इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा वीडियो कभी आप लोग अपने सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर ना करें। एक खबर ये है कि तवक्कलना ऐप में नया अपडेट आया है, तो मैं आपको उसको सुनाता हूँ क्या नया अपडेट है। मसार के लिए परिवहन टिकट अब तवक्कलना ऐप के माध्यम से। तवक्कलना प्रशासन ने कहा है कि ऐप में और सेवाओं को जोड़कर मसार में परिवहन टिकट खरीदने की सुविधा जोड़ी गई है। सड़क वेबसाइट के अनुसार तवक्कलना के प्रबंधन ने कहा कि ऐप में आपातकालीन सहायता और एजेंसियों को कॉल करने और एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने का विकल्प भी शामिल है। अपडेट हज और उम्रा मंत्रालय और सऊदी रेड क्रिसेंट के सहयोग से किए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि अपडेट एप्लीकेशन में मसार पर बस के लिए आसानी से टिकट खरीदे जा सकते हैं। इसी तरह किसी भी तरह की आपात स्थिति में राहत एजेंसियों को बुलाने की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। प्रशासन के मुताबिक एम्बुलेंस को मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी उन्हें के भरोसे बुलाया जा सकता है, यानी तवक्कलना के ही ऐप से बुलाया जा सकता है। तवक्कलना ऐप प्रबंधन ने कहा कि नए अपडेट का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं को एप्पल स्टोर या गूगल प्ले पर ऐप को अपडेट करना होगा। तो एक खबर ये थी। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। तो आज सऊदी अरब में केस जो आए हैं वो है 1253, उसमें से ठीक हुए हैं 1043 और 13 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा केस आए हैं मक्का में 363 और ईस्टर्न में 263, रियाद में 162, असीर में 159,
जिजान में 105, मदीना में 62, नजरान में 31, अलकसीम में 28, ताबूक में 24, अलबहा में 22, हाल में 13, नॉर्थन बॉर्डर पर 12, अलजोफ में 6। और जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है वो हो गया है 4,78,135, और जो ठीक हुए हैं वो है 4,59,091, और जो टोटल मौत हुई हैं वो है 7,716। और जो सऊदी अरब में कोरोना का टीका लगाया गया है वो है 1,68,21,228, और जो अभी एक्टिव केस है वो है 11,328, और जो उसमें से अभी गंभीर हालत में है वो है 1,472। तो ये था आज कोरोना वायरस के हवाले से मैंने आपको सुनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।